दोस्तों नमस्कार, चैनल राज की बातें में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ई कल्याण पोर्टल झारखंड छात्रवृत्ति के लिए। ई कल्याण पोर्टल में कैसे छात्रवृत्ति का डाटा एंट्री करते हैं और बच्चों का छात्रवृत्ति के लिए कितने तरह के डाटा एंट्री करनी पड़ती है, प्रत्येक प्रकार को मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें तीन तरह की डाटाएँ होती हैं। पहला, वैसे बच्चे होते हैं जो पिछले वर्ष भी आपके विद्यालय में, हमारे विद्यालय में पढ़ रहे थे और इस बार भी हमारे ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए रिन्यूअल डाटा एंट्री करना पड़ता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हमारे विद्यालय में इस बार नामांकन हो रहा है, ज़्यादातर क्लास KG में थे पिछले साल, जिनका 1 क्लास में इस बार नामांकन हुआ है, ऐसे बच्चों का जिसको फ्रेश डाटा एंट्री करना पड़ता है। या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसका नामांकन किसी विद्यालय में अब तक नहीं हुआ हो और इस बार हमारे विद्यालय में हुआ हो, तो ऐसे बच्चों के लिए फ्रेश डाटा एंट्री करना पड़ता है। और एक तरह की डाटा एंट्री करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट डाटा, मीन्स ऐसे बच्चे जो इस सत्र में आपके विद्यालय में, हमारे विद्यालय में आए हैं, जो किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ते थे और वहाँ से TC लेकर के हमारे विद्यालय में आए हैं, तो ऐसे बच्चों को हम फ्रेश या रिन्यूअल में एंट्री नहीं कर सकते। इनके लिए एक ऑप्शन होता है इम्पोर्ट करने का। तो ये सभी बातें मैं आपको एक बार फ्रेश बता देता हूँ। आप ध्यान से देखिए वीडियो को और अंत तक देखिए ताकि सारी बातें आपको मालूम हो सके। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना अकाउंट खोल करके बताता हूँ। तो गूगल क्रोम जैसे किसी भी ब्राउज़र में आप अपना ई कल्याण का पोर्टल ओपन कर लेंगे, ई कल्याण लिखेंगे और ये फर्स्ट में जो लिंक आ रहा है बस इसी को क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पेज में नीचे जहाँ डिजिटल इंडिया का लोगो है उसके बगल में 3 लाइन है, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन खुलेंगे, ऑप्शन में नीचे देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस लॉगिन को क्लिक करना है। अब लॉगिन को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर स्कूल लॉगिन INO लिखा हुआ है, INO स्कूल लॉगिन INO, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप थोड़ा पेज को ऊपर देखना पड़ेगा, ये देखिए। तो यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ डाल करके और यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसको डालना पड़ता है और गेट OTP कर किया जाता है। गेट OTP करने के बाद OTP जो आएगा उसको OTP एंटर करने के बाद आपका स्कूल का लॉगिन कंप्लीट होता है। तो देखिए मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। इस तरह डाटा एंट्री करेंगे, उसके बाद गेट OTP को क्लिक करेंगे, OTP सेंट सक्सेसफुली, ये देखिए OTP आ भी गया है। HME इसको भर सकते हैं क्योंकि HM का आधार कार्ड का नंबर लिया गया रहता है विभाग में और उसको एक्टिव कर दिया जाता है। तो आपका आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया गया है उसी मोबाइल नंबर पे ये OTP आता है जिसको यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, देखिए 83951 और लॉगिन को क्लिक कर देना है। लॉगिन को क्लिक करते ही ये ई कल्याण का हमारा पोर्टल ओपन हो जाता है जो इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा के फोटो के ठीक बगल में 3 लाइन दिख रहा है, बस यहाँ आपको क्लिक करना है, ये मेन्यू का बटन है और इसमें जनरल सर्विसेज नाम का एक ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करना है। तो इसमें बहुत तरह के ऑप्शन खुलेंगे, सब मेन्यू आएगा, चेंज पासवर्ड, प्री मैट्रिक वेरीफिकेशन 2024-25, इस तरह के बहुत ऑप्शन हैं। तो इसमें मैं कुछ विशेष बातें बता देता हूँ। जैसे प्री मैट्रिक का आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 2024-25 के लिए देखिए नीचे दिया हुआ है, नीचे से 3rd नंबर में देखिए प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन, बस इसको क्लिक करना है। अब देखिए ये पेज खुलेगा, इसमें 2 ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए साफ साफ, एक फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, तो फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्टर में आपको फ्रेश करनी है तो अप्लाई हियर का ये बगल वाला बटन को क्लिक करेंगे और रिन्यूअल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन तो इसके नीचे वाला को करेंगे। तो रिन्यूअल वैसे बच्चों का होगा जो बच्चे आपके विद्यालय में पिछले साल भी पढ़ रहे थे और इस बार भी पढ़ रहे हैं, और फ्रेश बच्चे में वैसे बच्चे आएंगे जो क्लास 1 में इस बार आए हैं या फिर किसी कोई दूसरे जगह से आए हैं जिनका पहले किसी विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ, ऐसे बच्चों को फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करके उसका डाटा एंट्री करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि रिन्यूअल एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो इसको नीचे वाला को देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ रिन्यूअल के लिए, तो यहाँ पर
आपको आधार नंबर से, या पिछले बार आपने उसका जो एंट्री किया था वहाँ पर से एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, ये दोनों में से किसी एक को एंटर करना है। सबसे सुविधाजनक होता है आधार नंबर, इस कॉलम में आधार नंबर को एंटर करेंगे और नीचे सबमिट का रेड कलर में जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो बच्चे का डाटा खुल जाएगा। वहाँ कुछ क्लास सेलेक्ट करना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, डेट ऑफ एडमिशन देना पड़ता है, इसी तरह के 4-5 डाटा केवल आपको एंट्री करनी है, उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है अप्लाई न्यू का, तो न्यू अप्लाई के लिए भी इसी तरह है। देखिए स्टूडेंट नेम को यहाँ एंटर करना है, स्टूडेंट आधार नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ क्रमवार से कर लेंगे, उसके बाद वेरीफाई आधार डिटेल, इसको नीचे वाला लाल बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें बच्चे का पूरा डिटेल, उसका एडमिशन डेट, उसका बैंक खाता का डिटेल, यदि अपना बैंक खाता नहीं है तो उसके गार्जियन का बैंक खाता और पूरा डिटेल भर करके इसको रजिस्टर किया जाता है। तो इस तरह ये काम तो आप कर ही चुके होंगे या जान रहे होंगे इस बात को, लेकिन बहुत शिक्षक नहीं जान पा रहे हैं कि दूसरे विद्यालय से आए बच्चों को किस तरह से हम अपने विद्यालय में एंट्री करेंगे। वैसे लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, तो जो बच्चे दूसरे विद्यालय से आए हैं उनका इम्पोर्ट करने के लिए देख लें मेन्यू बटन को, फिर हम ये लाल वाला को क्लिक करेंगे, यहाँ से जनरल सर्विसेज को क्लिक करेंगे और देखिए इसी मेन्यू में आपको दिखाई देगा ट्रांसफ़र स्टूडेंट टू अनदर स्कूल। ये देखिए ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स टू अनदर स्कूल, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वैसे बच्चों के लिए है जो हमारे विद्यालय में पीछे साल पढ़ रहे थे और अभी इस सेशन में किसी दूसरे विद्यालय में चले गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि वो दूसरे विद्यालय में ऐड हो सके। तो इसके लिए भी देखिए एकेडमिक ईयर और आधार नंबर दो चीज़ भरना पड़ेगा। यहाँ सेलेक्ट का बटन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2024-25 के लिए करना है तो इसको क्लिक करेंगे और उनका आधार नंबर को इस कॉलम में एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करेंगे और गेट स्टूडेंट डिटेल को आप क्लिक करेंगे तो बच्चे का डिटेल आ जाएगा और उसके नीचे आपको ट्रांसफ़र का करने का ऑप्शन आएगा जिसको मात्र सिंगल क्लिक से आप कर देंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से आपके विद्यालय से ये बच्चे दूसरे विद्यालय में एडमिशन करा के और वहाँ का ई कल्याण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि किसी दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चे को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। जब कोई विद्यालय ये प्रोसेस कर चुका होगा तो आपको इसको एक्सेप्ट करने के लिए जनरल सर्विसेज में ही ठीक उसके नीचे देखिए ट्रांसफ़र स्टूडेंट एक्सेप्ट लिखा है, फिर से दिखाता हूँ, ट्रांसफ़र स्टूडेंट एक्सेप्ट ऑब्लिक रिजेक्ट लिखा है, तो जो बच्चे ट्रांसफ़र होकर के आए हैं उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। तीस ऑप्शन को खोल के मैं दिखा रहा हूँ ट्रांसफ़र स्टूडेंट का ऑप्शन, और मैं एक्चुअल में इसी बात को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा था कि दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चों को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी दो ही बातें यहाँ भरनी है, एक एकेडमिक ईयर भरनी है और आधार नंबर, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद 2024-25 में भी बच्चे आए हैं तो 24-25 भरना है और जिस बच्चे का आपको एंट्री लगानी है उसका आधार नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है, क्योंकि किसी का आधार नंबर को दिखाना कॉन्फिडेंशियल होता है इसलिए इसको मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसी प्रोसेस से पूरा करेंगे। इस तरह आधार नंबर को एंटर करके गेट स्टूडेंट डिटेल को क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह का एक पॉपअप आएगा, इसमें ओके बटन को क्लिक कर देना है और एक बार प्लीज वेट फाइल लोडिंग लिखेगा, इसको भी ओके बटन को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए बच्चे का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बच्चे का डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है इसलिए मैं इसको ब्लर करके ही आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखें आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर में बच्चे का आधार नंबर रहेगा, स्टूडेंट नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसके नीचे फादर नेम, मदर्स नेम और नीचे आपको सिलेक्ट मिलेगा कैटेगरी, उसके बाद प्रेजेंट स्टडिंग क्लास, ये आपको सिलेक्ट करना है, ज़्यादा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेक्ट करें प्लीज, नहीं प्रेजेंट स्टडिंग क्लास, बस मान लीजिए जो क्लास में है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ ही जाता है तो आप उसको बस सेलेक्ट कर देना है। जैसे 8 क्लास में आया है ये बच्चा, अब यहाँ पर हम हॉस्टेलर की डे स्कॉलर, ये दो ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, तो ज़्यादातर बच्चे डे स्कॉलर ही होते हैं सरकारी विद्यालय के, तो डे स्कॉलर सेलेक्ट करेंगे जैसा आपका ऑप्शन है। उसके बाद नीचे डेट ऑफ एडमिशन भरना है तो उसके सामने के बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डेट भरने कैलेंडर आ जाएगा, इसमें से बच्चे ने आपके विद्यालय में इस बार कब एडमिशन किया है वो डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट करेंगे, ईयर तो 24 में ही आया होगा और किस महीने में, तो महीना को पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ जुलाई
जून महीना में आया है तो जून के को सिलेक्ट करेंगे, और जून के कौन तारीख को आया है वो तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे 24 जून 2024 को आया है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ दिखाई देगा, गार्जियन का मोबाइल नंबर देख लें, अगर सुधारना है तो क्लिक करके यहाँ पर आप सुधार सकते हैं। इसके नीचे स्टूडेंट का बैंक डिटेल आएगा, तो इसमें बैंक डिटेल को भी पूरी तरह देख लें, कौन सा बैंक का है, बैंक का नाम देख लें, बैंक का ब्रांच देख लें, और विशेषकर उसके अकाउंट नंबर को ज़रूर वेरीफाई करें। जब सब कुछ ठीक ठाक है तब इस बच्चे को आपको कुछ नहीं करना है, बस अप्रूव नीचे बटन रेड बटन है इसको क्लिक कर देंगे, और एक बार पॉपअप आएगा उसको ओके बटन को क्लिक कर देंगे। इसमें लिखा है बिफोर सबमिटिंग हैव यू थ्रोली रिसीव्ड एंड कंफर्म्ड ऑल द डिटेल्स, तो इसको आपको ओके बटन को क्लिक कर देना है और ये प्रोसेस ले लेगा। और ये देखिए एक मैसेज आ जाएगा ग्रीन रंग में कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर यूनिक नंबर इज, देखिए बच्चे का यूनिक नंबर यहाँ पर मिल चुका है। इसी तरह से ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र सबमिशन फिर अगले बच्चे के लिए यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चों को किस तरह हम अपने स्कूल में ई कल्याण पोर्टल में एक्सेप्ट करेंगे उसकी बात। अब मैं थोड़ा सा, जब ये बच्चे का डाटा एंट्री हो चुका होता है तो आपको उस डाटा को वेरीफाई भी करना पड़ता है, तो वेरीफाई करने में कुछ शिक्षकों को परेशानी हो रही है कि कहाँ से इसको वेरीफाई किया जाता है, वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसके लिए फिर मेन्यू बटन को क्लिक करेंगे और जनरल सर्विसेज में जा करके फिर ये सब मेन्यू में आपको साफ साफ दिखाई देगा प्री मैट्रिक वेरिफिकेशन, ये दूसरे नंबर पे है 2024-25, बस उसी को क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक इनपुट फील्ड खुलेगा, ये देखिए कैटेगरी और क्लास, तो यहाँ पर आप कैटेगरी के अनुसार और क्लास के अनुसार सेलेक्ट कर करके बच्चों को कर सकते हैं, या फिर ऑल को एक ही बार सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट करके आप एक ही बार में सारे को अप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कैटेगरी से आप करना चाहेंगे तो ऑल बटन को क्लिक करेंगे ऊपर वाला, आप ST SC OBC का कैटेगरी वाइज लेकर के आप कर सकते हैं, या फिर ऑल को करेंगे तो ऑल कर सकते हैं, और नीचे क्लास दिया हुआ है तो क्लास वाइज भी आप कर सकते हैं, आप 1 से लेकर के इधर जितना क्लास तक आपके स्कूल में है सारे क्लास का ऑप्शन दिखाई देगा, तो जो क्लास में आप का करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, या फिर ऑल रहने दीजिएगा तो सारे बच्चों का लिस्ट नीचे आ जाएगा। तो जैसे मैंने अभी 8 क्लास का को करके दिखाया था आपका, तो 8 को मैं यहाँ करूँगा, उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक करूँगा। सबमिट बटन क्लिक करने से यहाँ पर अगला पेज में बच्चे का डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए बच्चे का डिटेल दिखाई देगा, और ऊपर में एक सेलेक्ट बटन है और नीचे एक सेलेक्ट बटन है बाईं ओर, आप देखिए। तो ऊपर के सेलेक्ट बटन को आप अप्रूव्ड अगर कर देंगे तो नीचे अगर लंबी लिस्ट रहेगी तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर सिंगल सिंगल आपको अप्रूव करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट बटन ऊपर वाला को रहने दीजिए, नीचे वाला सेलेक्ट बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ पर से अप्रूव कीजिए, और इस तरह अप्रूव करके आप सिंगल सिंगल बच्चे को अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ही डाटा सबको मिला लें, अकाउंट नंबर मिला लें, उसके सारे डाटा मिला लें, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ऊपर वाले बटन सेलेक्ट को क्लिक करें और अप्रूवल बटन को क्लिक करें। इतना करने के बाद पेज में आप नीचे देखेंगे तो वेरीफाई का एक बटन रेड कलर में रहेगा, इस वेरीफाई बटन को आपको एक बार क्लिक करना है। मैंने ये क्लिक किया, उसके बाद आर यू श्योर वांट टू वेरीफाई द स्टूडेंट डिटेल नाउ, ये पॉपअप आएगा, फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करते ही प्रोसेस में चला जाएगा और ये स्टूडेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसका वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ रेड कलर में आपको मैसेज आ जाएगा। इस तरह से बच्चे का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको कुछ विशेष बात और ध्यान रखनी है, इसके लिए मेन्यू बटन में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे रिपोर्ट्स को। जब आप रिपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन दिखाई देगा, प्री मैट्रिक ट्रांसफ़र और प्री मैट्रिक MIS, तो आपको प्री मैट्रिक MIS को क्लिक करना है। इसके नीचे एक सब मेन्यू खुलेगा, इसको क्लिक करना है तो आपको अगले पेज में ले जाएगा, जहां पर आपका जितना भी आपने वेरीफाइड किया है सभी का लिस्ट यहां पर दिखाई देगा, इस तरह खुलेगा। ये देखिए यहाँ पर ऊपर में अकेडेमिक ईयर 24-25 दिखाई दे रहा है, और नीचे देखिए सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड बाय द INO ऑन ई कल्याण, मतलब यहाँ पर 169 बच्चे का टोटल एनरोल्ड इसमें किया गया है, और अप्रूव्ड बाय द INO मींस 168 बच्चे का देखिए यहाँ पर अप्रूवल किया गया है। इसी तरह आप जितने बच्चों को एनरोल करेंगे यहाँ दिखाई देगा, और जिसका वेरीफाई आप कर लेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर रिजेक्टेड बच्चे का भी है, एक रिजेक्ट यहाँ पर किया गया है, जिसका यहाँ पर एक दिया है, जिसको नीले रंग में
जो डिजिट दिया गया है नीले रंग के डिजिट को आप क्लिक करेंगे तो इसका एक सूची दिखाएगा। जैसे अप्रूव्ड बच्चे का देखना है तो अप्रूव्ड वाले नीले रंग के डिजिट को आप क्लिक करेंगे, और रिजेक्टेड को देखना है तो रिजेक्ट वाला को। तो यहाँ देखिए अप्रूव्ड बच्चे का लिस्ट आपको देखना है तो बस इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ही अगला पेज पर ले जाएगा, और एक बार यहाँ पर एक चीज़ खुलेगा, यहाँ पर स्कूल का नाम वगैरह दिखाएगा, यूडाइज कोड वगैरह दिखाएगा, उसके बाद अप्रूव्ड बाय INO दिखा रहा है। अब यहाँ पर नीला बटन को टच करेंगे तो पूरा लिस्ट आएगा। तो यहाँ नीला बटन को फिर से टच करना है, प्रोसेस लेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों का लिस्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप बच्चों का सारा डिटेल देख सकते हैं। राइट टू लेफ्ट अगर इसको स्लाइड करेंगे तो एक एक बच्चे का यहाँ पर पूरा लिस्ट आपको दिखाई देगा, इस तरह का अप्रूव किया हुआ दिखाई देगा। फ्रेश और रिन्यूअल आपने किया है, सभी का लिस्ट यहाँ पर अप्रूवल हो जाने के बाद दिखाई देगा। तो ये डाटा आपको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर में होता है देखिए प्रिंट, एक्सेल और PDF, तो तीन विकल्प दिए जाते हैं। आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करके रख सकते हैं, या फिर इसको एक्सेल के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल के रूप में भी इसे डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। इसे एक्सेल में या प्रिंट करके ज़रूर रखना चाहिए PDF के रूप में, ताकि फ्यूचर में इन बच्चों का डाटा आपको करेक्शन करना हो या नेक्स्ट टाइम में आपको इसका ज़रूरत पड़े तो इसका आप आसानी से डाटा फीडिंग में आप सहायता ले सकते हैं। तो इसको PDF को जैसे क्लिक करेंगे तो PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा, और अगर आप इसको एक्सेल के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल के रूप में ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको रख सकते हैं और फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं। मैं इसी तरह के टेक्निकल वीडियोज़ आपके हेल्प के लिए इस चैनल में लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।